रेडियो खाजी प्रस्तुत करता है चमकते सितारे। 90.4 FM पे मैं आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ चमकते सितारे। और आज चमकते सितारे में हम आपको जिनसे मिलवाएंगे वो झारखंड के उभरते सितारे हैं, जो कि काफी यंग एज की टीम है और सभी 25 से नीचे वाले बच्चे हैं और काफी टैलेंटेड हैं, जिन्हें झारखंड में रहकर और झारखंड की मिट्टी पर झारखंड की वादियों का इस्तेमाल करके, झारखंड के टैलेंट का इस्तेमाल करके, यहाँ के रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत से फिल्म का निर्माण किया है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे क्योंकि काफी पॉपुलर रही है रांची में और झारखंड के 14 स्क्रीन्स पे ऑन एयर किया गया है इस फिल्म को। छत्तीसगढ़ के 2 स्क्रीन्स पे ऑन एयर किया गया है और उड़ीसा के 2 स्क्रीन पे ऑन एयर किया गया है और इस फिल्म का नाम है दहलीज। तो मैं टीम दहलीज का स्वागत करती हूँ रेडियो खांची 90.4 FM पे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले तो आपको टीम दहलीज से मिलवा देती हूँ, जिसके डायरेक्टर हैं NPK सर, जो कि मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं, और इसकी लीड एक्ट्रेस हैं आयुषी, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हैं, और डायरेक्टर NPK सर के बगल में बैठे हुए हैं हिमांशु, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर साथ में क्रिएटिव हेड भी थे, और साथ में उनके बगल में बैठे हुए सुकंठ ठाकुर, जो कि एक्टर हैं और लीड एक्टर के तौर पर काम किया है रोशन शर्मा ने, जो कि सुकंठ ठाकुर जी के बगल में बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी टीम है कि मैं क्या करूं। और इस मूवी में जो एक सॉन्ग था जो कि फीमेल वॉयस में था, एक ही सॉन्ग था जो कि फीमेल वॉयस में था, आई थिंक आपने सुना होगा क्योंकि मूवी जो है वो 6 मई को स्क्रीन पे आ चुकी है। तो उसकी जो सिंगर है वो हमारे साथ बैठी हुई है खुशी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले डायरेक्टर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म के पहले तो आप अपने बारे में बताइए फिल्म से पहले। आप सभी को जोहार, मेरा नाम NPK है और मैं अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अभी मैं नागपुर में मास्टर्स कर रहा हूँ जी। और साथ ही साथ मैं विगत 4-5 सालों से मैं फिल्म मेकिंग में अपना प्रयास कर रहा था रीजनल सिनेमा में। थोड़ा सन 2018 में मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो कि एक्चुअली एक सीरियस कह सकते हैं कि मैंने इस जर्नी को शुरुआत किया था। उस फिल्म का नाम था लॉस्ट मनी। उसके बाद से लगातार मैं अपनी शॉर्ट फिल्मों के द्वारा अपने यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो कहानियां है, उसको मैं लगातार कहते रहा। फिर मुझे लगने लगा था कि मैं अपना फिल्म में योगदान दे सकता हूँ फीचर फिल्मों में। तो मैंने कुछ बाहर की फिल्में थी, बॉलीवुड फिल्में, उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया हुआ था जी। पर उस रूप से नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है एक या दो फिल्मों में बेसिकली किया था असिस्टेंट डायरेक्टर वैसा जी। पर जो शॉर्ट फिल्में थी उसने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, बहुत कुछ बता दिया। क्योंकि हम सारे को आर्टिस्ट थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, हमारी अपनी थिएटर संस्था है। तो उस संस्था से क्या हुआ कि हम लोगों का लगाव एक दूसरे से बहुत पहले से रहा। हम लोग 5-6 साल से एक दूसरे को जानते रहे। तो एक होता है कि किसको किसके अंदर में क्या प्रतिभा है वो थोड़ा सा उभर के आने लगा जी। तो उसी में हम लोगों ने प्रयास किया कि एक फीचर फिल्म हम लोग क्यों ना बनाया जाए। क्योंकि मैं जब शुरू किया था तो मुझे लगता था कि बिफोर द 25 आई विल डायरेक्ट अ फीचर फिल्म। आई डोंट नो हाउ इट बिकम पॉसिबल, बट ये था कि मेरी टीम मेरे साथ में है, सो हम कर सकते हैं जी। और फिर वहीं से हमने एक जर्नी शुरू की। कहानी जब मैं लिखता था तो मेरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये कास्टिंग डायरेक्टर जो सुकंठ है, ये आता था। तभी से हम लोग एसोसिएटेड हुए रोशन से, तभी से हिमांशु जान रहा है मुझे। तो हम लोग एक जर्नी पे हम लोग निकल पड़े थे कि बस एक फीचर फिल्म बनानी है हमें। कैसे बनेगा, क्या बनेगा नहीं पता था, पर ये जरूर पता था कि हमारी टीम मिलके कुछ ना कुछ नया धमाका करेगी जी। मतलब लक्ष्य पता था कि मुझे उसे भेद देना है, लेकिन पता नहीं था कैसे होगा, और उस जर्नी पे आप लोग निकल गए थे एक पूरी टीम के साथ। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हमारे झारखंड के जो युवा हैं उनमें टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, और ये मुझे पूरे स्टूडियो में देखने को मिल रहा है अभी। जितना आप लोगों ने ऑन एयर होने से पहले मस्ती किया है वो बता रहा है कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो। तो अब मैं जानना चाहूंगी आप सभी से कि इस पूरी मूवी को बनाने में लगभग 3 सालों का वक्त लगा है। तो 3 सालों के वक्त में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये मूवी बनकर उभर कर हमारे सामने आया है।
सबसे पहले तो एक जो हम लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी हम लोग फाइनेंशियली जी, क्योंकि जब हम बात करें रीजनल सिनेमा में और भी नागपुरी में बात करूं तो फिर आज तक कभी उस तरीके से कभी हो ही नहीं पाया था। सन 1992 में यहाँ पे एक पहली फीचर फिल्म बनी थी सोनाकर नागपुर, धनंजय नाथ तिवारी सर ने बनाया था जी। उस समय से लेकर के अभी 2022 तक अगर कहूँ तो इतने लंबे दशक तक 30 साल लगभग होने जा रहे थे, क्योंकि हम लोग हमने जब इस फिल्म को शुरू की थी 2019 हुआ था, तब से लेकर लंबे समय तक हमारे लोगों में अपनी सिनेमा को सिनेमाघरों में एक अधिकार के साथ देखने का कभी मौका उस टाइम से नहीं मिला, क्योंकि जब से स्पेशली जब मैं बात करूँ मल्टीप्लेक्स दुनिया जब से आई 2005 के बाद में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था हमारे यहाँ पे अपने सिनेमाओं का इज्जत के साथ सिनेमाघरों में देखना। तो सबसे बड़ा दिक्कत था फाइनेंशियली हमारे पास, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और जो भी लोगों के पास जिनके भी बात भी हम बोलते थे कि हम एक फीचर फिल्म करने जा रहे तो उनको लगता था कि डायरेक्टर कभी कोई फिल्म नहीं बनाया हुआ है, एक्टर को कोई नहीं जानता है, लीड एक्ट्रेस को कोई नहीं जानता है, कास्टिंग डायरेक्टर का कुछ आइडिया नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों ने कोई काम नहीं किया है, तो ये चीज मुश्किलें थी। बट उन सारी ऑब्स्टिकलों को तोड़ करके हमने ये जो नाम जो रखा दहलीज जी। उसी दहलीज ने हमें बहुत ज्यादा हमें प्रभावित किया जी। हमें इंटरनल पावर देते गए और फिर उन्हीं कारणों से आज हम जहाँ पे हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे, उसके बाद फिर कोरोना आया, जब हम शूट कर रहे थे उसके बाद में कोरोना आया, तो कोरोना ने तो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हमें लगा था कि ये फिल्म कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, अब बन नहीं पाएगा। हाँ, पर फिर भी से क्योंकि जो भी पैसे लगा रहे थे हमारे जो प्रोड्यूसर सर थे वो सिंगल ही पड़ जा रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि बहुत कम पैसा है, हमने बोला था कि सिर्फ किसी तरह करके हम करते हैं ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने वो किसी तरह फिल्म बनाया। आप फिल्म जब देखिएगा तो आपको प्रोडक्शन वैल्यू आपको कम नहीं लगेगा जी। लेकिन एक जो होता है कि एक जेन्युइन जो हमारी जो खर्च होती है जो चीजें होती है, मेन चीज है ऑब्स्टिकल। आप पैसे से कभी ये फिल्म नहीं बना सकते, ये गलत चीज है कि आपके पास अगर पैसा रहा तो आप फिल्म बना लिए तो ये कभी नहीं हो सकता। फिल्म बनती है पैशन से, जुनून से, एकजुटता से, आपके विजन से बनता है, जो आप लोगों में भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, हिमांशु पहले तो आप बताइए, आपने पहले ही बार क्रिएटिव हेड का वर्क किया है, एज ए क्रिएटिव हेड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो इस फिल्म से पहले जैसे कि अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो मैं कि नाटकों से जुड़ा रहूं, तो मैं पहले थिएटर में काम करता था बैक स्टेज, या सेट बनाना हो या फिर कभी पोस्टर बनाना हो, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए, जितनी भी एडिटिंग का काम हो ये सब करता था। तो इस फिल्म से पहले भी मैंने एक फिल्म में आर्ट टीम में काम किया हुआ था, मैंने जब आर्ट डायरेक्शन का जो काम होता है तो उसके पहले मैंने उस फिल्म में काम किया था। लेकिन मैं कहूँ तो अगर क्रिएटिविटी की बात करूँ या क्रिएटिव हेड के रूप में काम करना जो मैंने सीखा है वो दहलीज से ही सीखा है, या फिर फिल्म मेकिंग जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सिर्फ दहलीज से ही सीखा है। क्योंकि जब आप किसी और फिल्म में काम करते हैं तो आप बहुत प्रोफेशनल काम करते हैं कि वो चीज़ें जो है वो घंटों के हिसाब से या टास्क के हिसाब से आपको बांध देती हैं, लेकिन जब फिल्म अपनी हो, जैसे हम लोगों ने कहा कि हमने अपनी रीजनल सिनेमा को लेके आगे जाना है या जो भी हमारा मिशन था कि हम एक साथ मिल के काम करेंगे, तो जब फिल्म अपनी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है या टास्क जो है वो कभी घंटों पे नहीं हम बांध के नहीं रखते हैं कि मुझे इतना ही काम करना है, छुट्टी हो जाएगा हम भाग जाएंगे। तो ये जर्नी काफ़ी मज़ेदार रहा, फिल्म को देखने से लेके फिल्म बनती कैसे है, बनने के बाद रिलीज कैसे होती है, तो पर्दे के पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं या जैसे काम होती है, जो भी सीखना हो तो मैंने इस फिल्म से ही सीखा है जी। तो मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आपका रहा ये पूरा जर्नी जो था एज ए क्रिएटिव हेड के तौर पर। अब मैं टीम दहलीज से जो इसके लीड एक्टर और एक्ट्रेस हैं आयुषी से बात करना चाहूंगी। आयुषी, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी में, क्योंकि मूवी तो रिलीज हो चुकी है तो मैंने भी देखा है और बाकी ऑडियंस ने भी देख रखा है। तो अब आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी आपसे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत नया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसमें, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ था जो मुझे पहले से पता नहीं था, और दहलीज करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। सबसे पहले अगर बात करूँ तो लैंग्वेज, क्योंकि ये एक नागपुरी लैंग्वेज है तो वो मेरे लिए बहुत नया था, और उस लैंग्वेज को ग्रैब करके फिर उसमें अपना एक्सप्रेशंस डाल के और उसमें एक्ट करके तो काफ़ी नयापन था उसमें, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जो लैंग्वेज जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ का ये लैंग्वेज और वहाँ के बारे में इस तरह की चीज़ें जानना समझना वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो मेरे लिए नागपुरी चूँकि मैंने कहा कि नया था, तो सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा बना रहा है मेरे को लैंग्वेज सीखने में। जब प्रॉब्लम होती थी तो कभी भी डायरेक्टर सर या जो हिमांशु भैया हैं या मेरे को एक्टर रोशन सुकन भैया, तो सभी से कुछ ना कुछ हेल्प ले लेकर फिर लैंग्वेज के बारे में सीखना जी। तो सीखना सिखाना ये टीम में चलता रहता था जो काफ़ी मज़ेदार रहता था।
और फिर अगर बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग में भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो बहुत नया था। जैसे अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं बात करूँ, तो एक सीजनल पागल है जो कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है, कभी गुस्सा करती है। तो उस पर काम करना, उसका क्लासिफिकेशन करना कि वो किस तरह से एक्ट करती होगी, उसका कैरेक्टराइजेशन करना, उसका पर्सनैलिटी चेक करना, हर एक फीलिंग्स जो होता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हाँ, उसको सिस्टमैटिक वे में लाना, इसके लिए हमें फिल्म जब शूट हो रहा था हमारा, तो उससे पहले एक महीने का हमें वर्कशॉप दिया गया, तो उसी में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया था लैंग्वेज के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर। तो उस वक्त मुझे पता चला कि एज एन एक्टर, या अगर एक्टिंग को अगर कोई अपने फ्यूचर लाइक एस्पेक्ट के तौर पर देखे, तो ये ऐसे ही हवा में नहीं होता। बेसिकली उसको पूरा पढ़ा जाता है, एक्टिंग पढ़ाई करने की चीज है, और पढ़ के फिर हमने ये दहलीज, जो अगर मैं एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो पढ़ के फिर हमने इस दहलीज को क्रॉस किया था। तो वो काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसमें। मतलब कह सकते हैं कि ये जो दहलीज फिल्म है वो आप सभी के लिए एक दहलीज थी, जिसे आप सबने एक लेवल क्रॉस किया, एक दहलीज पार किया है, अपने करियर में कह ले, अपने जोनर में कह ले, आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ डेवलप किया है, और एक दहलीज को क्रॉस करके आज यहाँ पे आए हैं। तो इसके लीड एक्टर जो है उनसे भी मैं जानना चाहूंगी, तो रोशन आप बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही, मतलब बीच बीच में वो थोड़ा डरावना भी रहा और फिर बाद में अच्छा भी रहा, क्योंकि जब इसका मेरे को कॉल आया था, तो मैं उस वक्त मुंबई में था, एक सीरियल में कर रहा था एनटीवी का, तो इसमें कंटिन्यूटी था, तो बार बार मेरे को पता चल रहा था कि मेरे को लग रहा था कि शायद मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि शेड्यूल जो था इसका ना उसी बीच में आ रहा था, और मेरा मंथ में 17-18 डेज शूट रहता था। तो उसके बाद पुरु भैया का कॉल आता था, सॉरी पुरुषोत्तम भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं एनपी के सर, उनको मैं पुरु भैया बोलता हूँ, तो इनका कॉल आता था कि बाबू मैं इतने से रख रहे हैं हम लोग, तो बोलते बट भैया यहाँ पे ऐसे, तो धीरे धीरे करते क्या ना उसका डेट और इसका डेट आगे बढ़ने लगा, उसकी शूटिंग मैंने सोचा क्लैश होगा, तो किसी तरह ऐसा शेड्यूल भैया बना रहे थे कि जिस दिन मेरा उधर शूट रहेगा उस दिन इधर नहीं रहेगा, और जिस दिन इधर रहेगा उस दिन उधर नहीं रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करना चाह रहे थे। बट होता क्या था कि धीरे धीरे आगे बढ़ा डेट दहलीज का आगे बढ़ने लगा किसी कारण, मतलब पता नहीं क्या, बस धीरे धीरे, और भैया लोग को बहुत तकलीफ होती थी कि डेट आगे बढ़ रही है शूटिंग की, और मेरे को बहुत खुशी होती थी। ठीक है, फिर अचानक आया, फिर भैया बोले कि अब फाइनल हो गया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मेरे को बात बात चला सब क्या है कैसे कैसे चलना था। उसके बाद फिर क्या होता था कि अचानक मेरे को फिर से एक कॉल आ गया, ऑल्ट बालाजी का वेब सीरीज एक मेरे को मिल गया था, तो उसमें, और फिर मेरे को पता चला, मैंने सोचा लगता है बारिश छूट जाएगी मेरे से वहाँ से वेब सीरीज, तो फिर भैया ने बोला कि डेट फिर से आगे बढ़ गई है। तो फिर मैं मुंबई होके आया फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ का डेट फाइनल हुआ, 2020 का जनवरी में शूट होने का डेट फाइनल हुआ था। फिर आया मैं, उसके बाद फिर जनवरी रिहर्सल स्टार्ट हुआ, हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके एक और बहुत अच्छा इंसिडेंट हो गया, डेट एग्जैक्टली पूरा फाइनल हो गया, हम लोग शेड्यूल बना लिए थे, मेरे पास कॉल आ गया था एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है सस्पेंस, तो उसके अभी आने वाली अपकमिंग है वो, तो उसके लिए कॉल आ गया कि नालंदा में शूट है। अब मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, करूं तो करूं क्या, एक अच्छा कैरेक्टर भी था उसमें, तो मैंने भैया से सबसे बात किया, तो इन्होंने बोला कि ठीक है 13 दिन है, तो हम लोग का जस्ट ऐसा हो गया था कि एकदम डेडलाइन की जिस दिन मैं वहां से लौट रहा हूँ उसके फर्स्ट या सेकंड डे से यहाँ शूट शुरू है, तो और मैं क्या वर्कशॉप की वजह से मेरा क्या हो रहा था कि मैं वर्कशॉप भी नहीं कर पाऊंगा उसमें, और मैं वहां गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरा फोन ऑफ हो गया था, 13 दिन तक मेरा फोन ऑफ रहा, उसके बाद अचानक जब मैं शूट से लौटा, फोन अपने होटल लौटा, तो कॉल किया था मैंने, बहुत डर गया था कि पता नहीं क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा, तो फिर भैया को कॉल किया था, उन्होंने बोला कब आ रहे हो, डायरेक्टली कुछ नहीं, हेलो हेलो कुछ नहीं, कब आ रहे हो, मैं बोला भैया कल आ रहा हूँ, ठीक आ जाऊँ, कॉल कट हो गया। बोला ठीक है, फिर मेरे पास कॉल आना शुरू हुआ सुकंठ भैया का और भी बहुत सारे कि अरे तुम्हारे लिए तो बहुत सारे ऑप्शनल चुन लिए गए हैं, अब तुम्हारा नहीं होगा ऐसे करके, मतलब सब लोग डराने लगे मेरे को। तो फिर इस तरह मेरा जो जर्नी हुआ ना धीरे 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 करके, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, शूट से इवन मेरे को लगता है 5 या 6 दिन पहले तक मैं कंफर्म नहीं था कि मैं ही हूँ इसमें, मैं सबको बोलता भी था ये बहुत मतलब डरावना, इसलिए मैं बोलता थोड़ा सा था मेरे लिए डरावना टाइप का, बट फिर शूट स्टार्ट हुआ, मेरे को बहुत मजा आया सीखने में, और भी जो मैंने काम किया है, और इस काम में ये मेरे को अच्छा लगा, अंतर ये लगा कि इस फिल्म को मैं पता नहीं मेरे को क्या इन्वॉल्वमेंट मिला या क्या वो चीज़ थी, क्या थी वो
कि मेरे को लगा कि ये मेरी अपनी फिल्म है, एक हम लोग सब फैमिली है, क्योंकि हम लोग साथ में थिएटर कर चुके थे पहले, एक दूसरे को जानते थे और बाहर उधर किसी को जानते नहीं थे। आप बॉलीवुड में काम कर चुके हो, आपने कई सारे वेब सीरीज में काम किया है आपने, और फिर आपका एक रीजनल लैंग्वेज में अपनी झारखंड की अपनी धरती पे काम करना, अपने रीजनल लैंग्वेज में काम करना, क्या डिफरेंस लगा आपको वहाँ की शूटिंग्स में और यहाँ पे जो आपने काम किया? मेरे को बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ लैंग्वेज, मैं अगर किसी को वहाँ बताता था नागपुरी, अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे बताता था रूम पार्टनर को कि एक वहाँ फिल्म करने जा रहा हूँ, नागपुरी फिल्म है, अरे तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो नागपुरी यहीं है। मैंने बोला तुमको पता है वहाँ का लैंग्वेज है नागपुरी। तो ये भी एक मेरे को लगा कि एक मिशन की तरह मैंने लिया कि मेरी अपनी जो कर्म भूमि है, मैंने यहीं पे थिएटर किया है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है, मेरी कर्म भूमि है और यहाँ के लैंग्वेज को लोग समझते नहीं है। उससे पहले मैं भी इस लैंग्वेज को उतना सीरियसली नहीं लेता था कि हाँ है, मतलब मेरे को लगता था ये बोली है, मैं भाषा का दर्जा इसको नहीं देता था एक बोली की तरह। तो जब मेरे को लगने लगा यार मेरी अपनी भाषा जो है वो ऐसे कर्म भूमि है, तो फिर इस कारण मैंने इसको मिशन से लिया। और फिर भैया का कॉल आता था तो फिर मैं नागपुरी में बात करता था, तो धीरे धीरे करके नागपुरी सीख गया। और इसमें बॉलीवुड में और यहाँ के डिफरेंस ये लगा कि वहाँ पे मैं जाता था एज एन एक्टर, हाँ ठीक है एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा ड्यूटी हो गया, मैं एक्टिंग किया, जाके वैनिटी में बैठ गया, फिर अभी सर शॉट लग गया तो मैं आया दे के चला गया, ऐसा होता था। बट यहाँ पे मेरे को ना एक्टिंग करता था, मेरा ध्यान ये भी रहता था कि अरे यार देखो ना वो वाला शॉट अब तक रेडी नहीं, मैं अगर नहीं होगा तो फिर बैक चला जाएगा। ये मेरी अपनी फिल्म टाइप की लगी, ऐसा नहीं कि मैं किसी के अंडर फिल्म कर रहा हूँ, मेरी अपनी फैमिली जो होते हैं एक फैमिली की तरह लगा, ये दोनों में डिफरेंस था जी। तो अब मैं मूवी के बारे में इसकी स्टोरी के ऊपर जाना चाहूंगी डायरेक्टर सर आपसे, लेकिन मैं इस बारे में जानने से पहले इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जो है वो सुनना चाहूंगी और अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूंगी। तो हम आते हैं एक गाने के बाद। दहलीज के तो एक कर जुदा ऐ हमनवा, ऐ हमनवा, यही दो मुझे धुंधला रहे करुणा खपा ऐ हमनवा। किस्मत है तुर जे ईजे खपा है, किस्मत है तुरजे ईजे खपा है, हिम्मत ही अब तो तोर खुदा है। दहलीज के तो एक कर जुदा ऐ हम नवा, ऐ हम नवा। ख्वाहिश हुई है आँखें में तुर जन्मी है, खड़ा हूँ साथ सदा मोए अब तो के कर कमी है। जिए कर ख्वाहिश हुई है आँखें में तुर जन्मी है, खड़ा हूँ साथ सदा मोए अब तो के कर कमी है, मंजिल पे अब तो चलना तो के है, मंजिल पे अब तो चलना तो के है, हिम्मत ही अब तो तोर खुदा है। दहलीज के तो एक कर जुदा
इस खूबसूरत से गाने के बाद मैं आरजे वैभवी लौट कर आ गई हूँ और मेरे साथ शो चमकते सितारे में बने हुए हैं टीम दहलीज के सारे मेंबर्स हैं, इसके लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं और इसके जो डायरेक्टर सर हैं वो मेरे साथ हैं। और अब मैं जानूंगी कि ये जो दहलीज मूवी है इसके नाम के पीछे क्या मिस्ट्री है, कौन सी दहलीज इन्होंने क्रॉस करने के लिए इस मूवी को दहलीज नाम दिया। मैंने देखा भी है कि एक लव स्टोरी पे बेस्ड है, तो रीजन क्या था स्टोरी लिखने के पीछे? सबसे पहले तो इस फिल्म की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, क्योंकि जब मैं शॉर्ट फिल्म लिखता था तो मैंने इसको एज ए शॉर्ट फिल्म में लिखा था। मेरे गांव में जब मैं बच्चा था तो मेरे गांव में एक लड़की थी जिसको कि अक्सर हम बच्चे लोग थोड़ा सा चिढ़ाते थे, उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपसेट थी। तो उसकी मुझे कटहल का पेड़ होता है वहाँ था, वहाँ तो उसके पिताजी उसका पैर को बांध करके रखते थे, उसको सिकड़ से मतलब वो रस्सी से बांध कर रखते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था, और जब मैं जब इन कहानियों को जोड़ रहा था तो मुझे लगा कि यार ये मेरी कहानी है जिसको मैंने देखा है बहुत करीब से, क्योंकि मैं भी वही उन्हीं शरारती बच्चों में से एक था जो कभी उसे छेड़ता था। लेकिन फिर कभी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो जब मैं लिखने लगा कहानियां तो मुझे लगने लगा ना कि ये कहीं कहीं ना ये कहानी कहीं जानी चाहिए। फिर उस कहानी को मैंने कहने के लिए मैंने प्रयास किया और उसी को मैंने लिखा। फिर नाम हमने अलग सोचा था शुरू से ही, इसका नाम मैंने दहलीज नहीं सोचा था, हमने चौखट नाम सोचा था। लेकिन दहलीज मेरी खुद की मंशा थी और मैं इसलिए रखना चाहता था क्योंकि अभी तक हमारे रीजनल इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ झारखंड के सिनेमा, ने कभी उस तरीके से दहलीजों का पार करने ही नहीं सका जो होनी चाहिए थी, क्योंकि एक लंबे दशक तक हम अपने ही सिनेमाओं को अधिकार के साथ सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे। टेक्निकली हम बहुत वीक पड़ जा रहे थे, बाकी सारी चीजों मतलब बहुत सारी ऐसे मुश्किलें थी जो कि हमारी उस एम्बिशंस को, उस विजन को, उस जो एक सिनेमा हॉल पे अधिकार के साथ बैठने का जो पॉइंट होता है उसको रोक रही थी। तो उन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए मैंने इस फिल्म का नाम रखा दहलीज, ताकि हम हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकली तरीके से हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकें कि हमारी एक्ट्रेस जो है वो अपनी दहलीजों को पार तो कर ही रही है, साथ ही साथ हम अपनी इंडस्ट्री के दहलीजों को अभी हम पार कर रहे हैं। मेकिंग का दहलीज हो, एक्टिंग का दहलीज हो, सिनेमाटोग्राफी का दहलीज हो, डायरेक्शन का दहलीज हो, चाहे वो सिंगिंग का दहलीज हो, चाहे वो किसी भी एरा का हो जी। सारी मुश्किलों का जो एक बाउंडेशन, जो बाउंड्रीज है उसको, उन दहलीजों को पार करके हम अपनी फिल्मों को लाना चाहते थे। और वाकई में बहुत खुशी हुई बाद में देख करके, जान करके कि इसी प्रकार का रहा। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, रिसेंट एक घटना पड़ा था, मैंने दोबारा खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। चाणू में एक बच्ची थी जी। अभी भी उसके पेरेंट्स उसको घर पे बांध के रखते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को मैंने दिखाया था सुकंठ को कि देखो ना इसको, इस बच्ची को हम कभी हम बुलाएंगे, एंड होप सो मुझे लगता है कभी जब तक हमारी फिल्म है हम कभी उसके पेरेंट्स उसको कहीं बुला करके हमें फिल्म दिखा पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कहानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे दहलीज से पूरा कनेक्टेड है। कहानी लिख रहा था तो वही चीज था कि हमारी टीम लगातार बैठ के बातें कर रही थी कि क्या लग रहा है, क्योंकि जब हम झारखंड की कहानियों की बात करें तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा नदी नाला से शुरू करो, उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से फिल्म को दिखा। लेकिन हमने प्रयास किया कि नहीं, हम सिर्फ कहानी कहेंगे, हम इसमें कोई कल्चरल बातें नहीं दिखा रहे हैं। आप जब फिल्म को देखिएगा तो आपको पूरा कल्चर झलकेगा जी, पूरा झारखंड झलकेगा जी, पूरी तरह से हर एक कल्चर, चाहे वो संथाली, मुंडारी, खड़िया, जो भी हो हमारे कल्चर है, सभी किसी को हमने समेटा है। लेकिन हमारे प्रोडक्शन हेड और हमारी टीम ने अलग तरीके से पकड़ा है। हमने लाल पार साड़ी कहीं पहनाया है लेकिन हमने उसमें प्लास के फूलों वाले, हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने सेटअप उसका ड्रेसअप ग्राउंड तैयार किया हुआ है। तो वो जो चीजें हैं हमको अलग तरीके से हमने कैचअप और कैरी किया हुआ है। तो दहलीज जो थी वो कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज को तोड़ करके सिनेमा को व्यापक रूप से इंडिया के सिनेमा के लेवल पर पहुंचाने का हमारा जो प्रयास था, बस वही। तो बहुत अच्छा आपने मूवी का नाम दिया है और काफी मोटिवेशनल है ये नाम दहलीज, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में कोई ना कोई एक दहलीज हर रोज क्रॉस करता है, जो बाउंड्री है बनाकर जो रखे रहता है उसको क्रॉस करके ही कुछ डिफरेंट करने की। क्योंकि अभी रिसेंटली में जितने भी हमारे पुराने फिल्म मेकर थे, लोग थे, उन्होंने एक सवाल मुझसे हमेशा 90% लोगों ने पूछा कि इसका नाम दहलीज क्यों रखा, हिंदी नागपुरी नाम देना चाहिए था, चौखट नाम देना चाहिए था, कुछ ऐसा नाम। लेकिन वही चीज है ना कि अगर अविनाश दास सर से भी मेरी बातचीत हुई थी, बहस हुई थी और मैंने वही कहा था कि दरअसल ये सिर्फ कहानी, सिर्फ हमारी एक्ट्रेस है तो फिल्म की कहानी के लिए मैंने इसका नाम नहीं रखा था, हमने नाम रखा है उस रिफ्लेक्शन के लिए कि हमारी इंडस्ट्री की जो भी सरहदें हैं। क्योंकि आपने जो कहा ना कि जो हमें अपनी फिल्मों को ग्लोबली बनाना है,
हमें अपने तक सिमट कर नहीं रखना। अगर इस फिल्म का नाम नागपुरी नाम अगर उस टाइप से रखता तो मुझे लगता है कि वो व्यापक रूप से उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि नॉन स्पीकिंग पर्सन लोग करते हैं। और आप जब सिनेमा हॉल में जाइएगा तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े अफसर कैटेगरी के लोग AIG जा रहे हैं, कल DDC रांची कल गए थे फिल्म देखने के लिए, ही डोंट नो नागपुरी बट ही अंडरस्टैंड नागपुरी। ओके, उन्हें नहीं पता है कि यार ये लैंग्वेज में क्या शब्द होते हैं, बट ही एंजॉयड एंड देन ही कॉल्ड मी दैट कि यार मजा आ गया यार, ऐसा फिल्म बनाया, गजब का फिल्म लगा। एंड व्हेन द अफसर कैटेगरी पीपल विल अप्रिशिएट यू देन थॉट अबाउट दैट कि यार हमने वाकई में सरहदों को पार किया, क्योंकि लैंग्वेज के बाउंड्रीज से हम लोग बहुत आगे निकलने का हमने सोचा जी। और कुछ ऐसा करना कि लैंग्वेज बाउंड्री ना बने, इवन लोग लैंग्वेज सुनने के बाद कुछ ऐसा वर्ड जो मिले जो ना समझ में आए, लोग उसे जानने के लिए, उसका मीनिंग जानने के लिए अगर उनके अंदर ग्रेविंग आती है, उनके अंदर चाह आता है कि हम जानते कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आई थिंक हम वहाँ पे सफल हो जाते हैं एक फिल्म के निर्माण में। या एक गाने का भी हम निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे लोग अगर उस चीज को जानने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी ओर, तो आई थिंक वो सफल हो जाता है हमारा काम करना। बहुत सारी सीरियस बातें तो हो गई डायरेक्टर सर आपसे, अब मैं जानना चाहूंगी ये जो सफर रहा शूटिंग का पूरा, इसमें इतने सारे आपने, आप खुद भी एक यंग हैं और आपने सारे यंग टीम के साथ काम किया है, कुछ तो बदमाशियां होती होंगी ना? मुझे लगता है ये बदमाशी मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर ये सुकंड बहुत अच्छा बता पाएगा। मैं जानना चाहूंगी कि सबसे अधिक शूटिंग के टाइम पे कौन आप लोगों को परेशान किया करते थे, या कह लें तो मस्ती खोर थे वो कौन? सबसे पहले तो बताइए कि ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हुई है हमारी लीड एक्ट्रेस जो है आयुषी, ये काफी चुलबुली है, मैंने भी इनके साथ काम किया है, तो पहले तो मैं इनके बारे में जानना चाहूंगी। शुक्रिया। आयुषी की अगर बात कहूँ तो सबसे पहले तो मैं उसकी कुछ तारीफ कर देता हूँ कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत डेडिकेटेड है जी। और बदमाशियों की बात करूँ तो सेट पे आयुषी ही नहीं, सारे हमारे क्रू जो थे एक्चुअली जिसने बताया कि फैमिली मेंबर वाले थे, ठीक है, ज्यादा परेशानी ज्यादा मस्ती लोग मेरे से ही करते थे जी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता था कि मैं दिन भर में मतलब पूरे 24 घंटे में 3 घंटे सोता था फिर भी डांट सुनता था। सबसे ज़्यादा मतलब बलि का बकरा मैं ही बनता था, कुछ भी हो कोई भी हो, जैसे रात को हम लोग आए शूट करके, रात 10 बजे 11 बजे या 9 बजे कभी भी वाइंड अप होता था, उसके बाद आने के बाद आके सारे काम करो, अगले नेक्स्ट दिन का शेड्यूल क्या है सब चीज़ प्रिपेयर करने के बाद एकदम 2 बजे मैं सोता था, और सुबह 5 बजे सोचिए सुबह 5 बजे मैं सब जाकर नॉक करते, यार आ गया, ये आ गया, क्यों आ गया यार, तुमको सुबह क्यों देखते हैं, तो ये सब होता था। फिर शूटिंग के दौरान जब होता था कि इधर बंदे शॉट्स दे रहे हैं, मतलब ये एक्टर जो आर्टिस्ट है शॉट दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शॉट दे रहे हैं, यहाँ पे शॉट चल रहा है, इधर अपना भाई लोग मजाक मस्ती कर रहा है, यहाँ पे आर्टिस्ट को डिस्ट्रैक्शन होता था, लेकिन जब बात वो बताया जाता था कि मैं यहाँ शॉट दे रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, बोलता तुमको तो एक्टिंग का एक्टर का काम है, तुम उससे कोई ये नहीं है, तुमको तो खुद अपना काम करना, तो मतलब ये सब छोटी मोटी नोक झोंक होती थी, बाकी सब फैमिली जैसा रहते थे, मतलब काफी मजा आया और मस्ती और क्या था यार। मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी, बताइए। ये हमारे क्रू में ना एक DOP असिस्टेंट थे, तो पता नहीं क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, बट वो क्या करते थे ना, जैसे पहले पुराने फिल्मों में क्या होता था ना कि एक जो विदूषक होते थे या कॉमेडियन होते थे जी, तो हर एक अपने सेंटेंस के बाद एक कुछ कॉमेडी वर्ड ऐड करते थे, जैसे कुछ बोले तो जोर लगा के, जोर लगा के होता है ना कोई भी सेंटेंस, तो वो क्या करते थे अपने हर एक सेंटेंस के एंड में ऐड करते थे, ओ भाई मारो मारो मारो। अब जैसे ही वो कुछ बोलता था सब लोग बोलते हो गया स्टार्टेड, देखो इसका ओ भाई मारो मारो ऐसे करते। और सबसे मजेदार की बात ये है कि वो कॉमेडी करने का मतलब बहुत ज्यादा ही कोशिश करता था, लेकिन उसके कॉमेडी से कोई नहीं हंसता था, उसका मुंह बन जाता था, चारों तरफ देखता था कोई कुछ नहीं उसको रिस्पॉन्स करता था जी। ये सब था। और फिर हमारे सिकंदर भैया हैं, हमारे लाइन प्रोड्यूसर सिकंदर भैया हो गए, शरद भैया हो गए, तो वो लोग भी काफी, जब आप मुर्गा नहीं पाले अगर सॉन्ग देखा होगा आपने दहलीज का जी, तो जी। जो मुर्गा लेके आते हैं वही सिकंदर भैया है, वो भी काफी मस्तीखोर है, मतलब चुलबुले टाइप के इंसान है, तो काफी मस्ती में मतलब उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता था, मतलब मस्ती कम बोले मजा ज्यादा आता था उसमें जी। मतलब कह ले कि आप परेशान तो होते थे लेकिन आपने इंजॉय किया। और अगर आपने नाम लिया है एक सॉन्ग का मुर्गा ना पाले, तो हम पहले सुन लेते हैं इस गाने को, उसके बाद हम फिर और भी बातें हैं आपसे करने को, एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं आपसे करने को, तो फिर मैं करती हूँ, तब तक सुनते हैं हम दहलीज का गाना मुर्गा नी पाले। Ding
मछरी नी पाले, मुर्गा नी पाले, मछरी नी पाले, खखरा जे पावे तो के बनावो रे। मुर्गा नी पाले, मछरी नी पाले, मुर्गा नी पाले, मछरी नी पाले, चिंगरी जे पावे तो के बनावो रे। मछरी नी पाले, मुर्गा नी पाले, मछरी नी पाले, कोंगी जे पापे तो के बना पूरे। अरे चरखी छोड़ी लोभी, अरे आलू भट्टा गोभी चरखी छोड़ी लोभी, अरे ई करेले भाटा या कोहड़ा बनाओ रे। मुर्गा नी पाले, मछरी नी पाले, मुर्गा नी पाले, मछरी नी पाले, अरे खखराज पापे तो उखे बना बूर, अरे चिंगड़ी पापे तो उखे बना बूरे। मुर्गा नी पाले, मछली नी पाले, मुर्गा नी पाले, मछली नी पाले, अरे घोंगी जे पापे तो उखे बना बूरे। गाने के बाद मैं आरजे वैभवी लौट कर आ गई हूँ शो चमकते सितारे में, और अब हम बातें करेंगे हिमांशु से। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किए हैं, क्रिएटिव हेड के तौर पे भी काम किए हैं, तो आपने क्या क्या क्रिएटिविटी दिखाई शूटिंग के दौरान, कितने मस्ती खोर रहे आप अपने बारे में बताइए। शूटिंग जो है मतलब हैक्टिक कम और मस्ती खोरी ज्यादा ही हुई है। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था, एक बहुत मजेदार किस्सा है कि सुकंठ का सीन होता है और उसका जूता मेरे पास रह गया था, तो उसका जूता मुझे रांची से पतरातू लेकर जाना था और मैं नहीं जा पा रहा था टाइम से, या फिर मैं थोड़ा सा देर हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ था कि मेरे और सुकंठ के बीच में एकदम मतलब भयानक वाला खतरनाक वाला लड़ाई हो गया था, सीरियस, कि हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे या फिर मतलब एकदम हम लड़ाई हो जाएगा। पूरे टीम में सब ने सोच लिया था कि अब इन लोगों का खत्म हो गया, मतलब अब बातचीत बंद हो जाएगा, आज के बाद दोनों बात नहीं करेंगे। सब कोई हम लोग दोनों को मनाने के लिए लग गए कि कैसे होगा, अब तो मारपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद दोनों हम लोग हंसने खाने लगे, मतलब हम लोग बात करने लगे, तो पूरा टीम फिर हाथ जोड़ी कि आज के बाद इन लोगों की लड़ाई के बीच में हम लोग को नहीं पड़ना है, मतलब कोई सर पैर नहीं, इन लोगों की लड़ाई का कोई सीरियसनेस नहीं है। तो ऐसा मतलब बहुत बार हुआ। एक हमारे मतलब
प्रोडक्शन मैनेजर थे सौरभ, उनका बहुत सारा काम था, तो उसके साथ मतलब एकदम सीरियस वाला बकझक, अब लगा कि अब लड़ाई खत्म, ये शूटिंग छोड़ के गया, कल से नहीं आएगा, मतलब सेट पे अब तो आएगा ही नहीं, सेट पे सब कुछ खत्म। तो ऐसा हमारा बकझक हो जाता था, एकदम सीरियस हो जाता था, उसके बाद आधा घंटे के बाद फिर से हम लोग काम करते थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि लड़ाइयां भी हुई लेकिन हमने बहुत मस्ती भी किया। मतलब यूं कह ले कि आपका काम था लोगों से झगड़ा करो, फिर उनके साथ पैचअप कर लो और उसके बाद काम में लग जाओ। नहीं, सौरभ के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हम बिल्कुल बताइए। तो एक हुआ था कि मतलब शूट के दौरान कुछ हुआ था, शायद सौरभ डायरेक्टर से जो एनपी के भैया को है उनको आए थे, तो एनपी के भैया शूट के दौरान थोड़ा सा टेंशन में थे उस वक्त, ठीक है जी। तो आए कुछ आके सौरभ कुछ बोल दिया, पूरू देखो ऐसा ऐसा था, तो पहली बार मैंने पूरू भैया को गुस्सा, तुम मुझे डांटोगे। नहीं नहीं पूरू, हम तुमको नहीं डांट रहे, समझा रहे। मतलब इस तरीके पूरा गुस्से से आया था वो, उसको भैया को बोलने के लिए गया था। दरअसल हुआ ये था कि हमारा शिफ्टिंग था, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो मैंने क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर था वो, तो मैंने उसको बोला था कि हम जो मॉर्निंग में 6 से 8 हम यहाँ पे शूट करेंगे, इसके बाद तुम ब्रेकफास्ट यहाँ से जो नेक्स्ट जो शिफ्टिंग प्लेस है वहाँ पे ब्रेकफास्ट मंगाना। तो हमने शूट यहाँ पे कम्प्लीट किया, वहाँ आ गया, अब वो लेके आ गया ब्रेकफास्ट, और वो बिल्कुल वो आके मतलब मेरे सामने वो बोलता ना, बोलने लगा रहा कि किधर गया सारा एक्टर लोग, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। मैंने बोला कि चुप, मेरे से ऐसे तुम बात नहीं करोगे, गॉट इट? बोला ओके सॉरी सर, सॉरी सर। मगर मतलब वो हमारी टीम में सबसे बड़ा खासियत क्या था ना, कि वो आपको 10 मिनट भी नहीं लगता था, मतलब 2 मिनट के अंदर में अच्छा चल ठीक है यार मैं गलत हूँ, आई एक्सेप्ट इट। ऑन सेट में बता रहा हूँ, हम जब संजोस में शूटिंग कर रहे थे, रोशन को एक जगह डंटा से मार मिल रहा था, ठीक है तो हमारा जो प्रोडक्शन मतलब समझिए दहलीज के जो बिहाइंड सीन है वही लोग ऑन सीन में भी है, मतलब हमने ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने सोच रखा था, हम सारे कोई बहुत अच्छे एक्टर थे सारे के सारे कोई, तो हुआ ये था विपुल हमारा प्रोडक्शन अकाउंटेंट था, तो उसका हमने बनाया था स्कूल टीचर, ठीक है, तो उसको मारना था डंटा से, रोशन को ऐसे वो पकड़ा जाता तो एक साथ जोर से मारना था, तो वो बार बार क्या कर रहा था ऐसे मार रहा था, मैं बोला भाई फॉल्स लग रहा है, रियल दे, ठीक है ना, रोल एक्शन किया ना, इतना जोर से मारा रोशन को ना, आओ, और ये जो कि ना बिल्कुल साइड चला गया, और ये अंदर अंदर गुस्सा रहा है कब आके उसको मारेंगे, और अब कट हुआ ही नहीं वहाँ पे सीन, ठीक है, लेकिन जब तक सीन कट हुआ तब तक इसका गुस्सा जो है इतना था, हाइपर था ना, वो यहाँ पे आ गया, फिर बोलता भैया इतना जोर से मारिएगा देखिए लाल हो गया, वो बोला क्या करें हमको रियल मारना था ना। तो ये सब मतलब हमारे बीच में बहुत फनी मोमेंट ऑन सेट पे हम जब शूट करते थे, तो लेकिन हाँ ये था कि हर किसी के में एक सीरियसनेस था वर्क को लेकर, मतलब अब 25 साल यंग जनरेशन है, गर्म खून जिसे हम कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं लड़ाई झगड़ा है वो बनता है होना, क्योंकि उसके बिना मजा भी नहीं आता है, और अगर आप जैसे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस हो तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा तो होगा ना, क्योंकि सब एक पर एक 11 जो ठहरे और सब एक दूसरे का काम कर रहे थे, एक्टर भी थे और प्रोडक्शन भी संभाल रहे थे, क्रिएटिव भी संभाल रहे थे, लाइट कैमरा एक्शन सारी चीजें संभाल रहे थे हम कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बकझक बनता है, और वो चीजें आई थिंक प्यार जो है वो बढ़ाता है, टीम में जो बॉन्डिंग जो है उसको स्ट्रांग करता है, तो वो सारी चीजें बहुत बड़ी नहीं है। अब मैं जानना चाहूंगी, सॉन्ग में 3-3 गाने हैं, 4 गाने हैं आई थिंक, मैं गानों के बारे में जानना चाहूंगी, किसने लिखा है आपके गानों को, राइट किसने किया है, आपके सिंगर कौन रहे इस फिल्म के? सबसे पहले तो ये पूरे फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर है मनीष रॉय है, वो है पिठोरिया का रहने वाला है, और अभी फिलहाल BHU में वो वायलिन में मास्टर्स कर रहा है, और काफी वेल टैलेंटेड लड़का है। मुझे लगता है पहली बार मैं अपने एसोसिएट डायरेक्टर के थ्रू उससे जब मिला था, तो उसने मुझे पूछा कि भैया कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या है कहानी, उसको मैं बस कहानी बताते गया, वो अपनी कहानी के आधार पर उसने लिरिक्स लिखते गया, और इतने क्या शानदार उसने लिरिक्स लिखे हैं पूरे फिल्म के। फिर लिरिक्सिस्ट और म्यूजिक डायरेक्शन उसी का है, उसके अंदर में एक था कि भैया ऐसा ऐसा कुछ धुन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। उसके अलावा जब हम लोग जब म्यूजिक पे जब आए तो हमारे कंपोजर अलग अलग थे, 2-3 कंपोजर थे, तो उन कंपोजरों के साथ हमारी टीम ने पूरा बैठा, उनके साथ काम किया, और फिर हमारी जो एक जो फीमेल सॉन्ग जो थी अभियुना तोयमो के, तो उसके लिए खुशी जो है उसको हमने रिकमेंड किया था, क्योंकि शुरू से मैं इसको जानता था बच्ची को, और मुझे ये पता था क्योंकि बाकी जो नागपुरी जो भी सिंगर्स थे वो बहुत अच्छे हैं अपने लेवल पे, लेकिन वही चीज है ना कि आपके अंदर इस कला के लिए कितना ट्रिब्यूट
है आपके अंदर से, आप कितना शिद्दत से आप गाते हैं या तो फिर आप क्यों आप गा रहे हैं, ये एक मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि हमारी टीम में से जो भी एक्टर थे, जो भी थे, किसी ने ऐसा वो नहीं था कि हम अभी स्टारडम दिखाएंगे, उनको बस ये था कि मैं अपना अच्छा एक्टिंग दिखाऊंगा। तो वही था कि खुशी एक थी जिसके पास काफी अच्छा, क्योंकि वो गजल वगैरह और यूथ फेस्टिवल में इसे जानता था। तो फिर मैंने इसे बोला कि बाबू नागपुरी फिल्म में गाना गाओगे, तो बोला हाँ भैया। एक बार मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि भैया ये नहीं है वो नहीं, इससे पहले इवेंचुअली मैंने शालिनी से मैंने बात किया था कि शालिनी एक गाना है और एक गाना गा दो, शालिनी ठाकुर भी, तो उसने बोला कि नहीं नागपुरी है मेरा ये नहीं है वो। तो एक चीज था कि मैं मानता था कि क्योंकि ये इनिशियल स्टेज था, मैं हमारी टीम में मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता था कि यू आर स्पेशल फॉर मी एंड यू आर नॉट स्पेशल फॉर मी। मेरी टीम में इनिशियल स्टेज से लेकर के एंड स्टेज तक जो भी लोग जुड़े रहे, हर किसी को मैंने उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जितने बड़े लोगों को दिया। तो गाने में काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग रहा। और बाकी चीज तो खुशी बताएगी कि इससे कैसा लगा। बिल्कुल, अब बारी आई खुशी की। खुशी जो कि इस फिल्म में एक फीमेल सिंगर के तौर पर इस फिल्म से जुड़ी हुई है टीम दहलीज में, तो खुशी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अपने बारे में बताइए सबसे पहले, तो फिर गाने के बारे में जानेंगे हम। सबको जोहार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दहलीज, जैसा कि हम शुरू से इंसिस्ट कर रहे हैं, ये सबके लिए दहलीज है, ये मेरे लिए भी दहलीज है। तो मैं शुरू से गजलें गाती थी, नॉट इवन बॉलीवुड सॉन्ग्स बट गजलें, गुलाम अली जी की गजलें, मेहंदी हसन जी की गजलें, जो बहुत पुराने समय में चलती थी जी। तो मेरे पापा सुनते थे, तो मेरे लिए जो म्यूजिक है वो इनहेरिटेड है, पापा का गिफ्ट है जी। तो मैं गजलें गाती थी, तो यूथ फेस्टिवल में जब इस यूनिवर्सिटी में आई, यूथ फेस्टिवल में ही मैंने पुरुषोत्तम भैया से मेरी मुलाकात हुई थी, थोड़ी बहुत ही बात हुई थी क्योंकि वो स्किट में थे, मैं म्यूजिक में थी। तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं नागपुरी गाऊंगी। हमारे घर में बेसिकली भोजपुरी बोलते हैं, मैं बिहार से हूँ लेकिन मुझे भोजपुरी बोलना भी नहीं आता क्योंकि मेरे पेरेंट्स आपस में हिंदी में बात करते हैं जी। और हम लोग शुरू में दिल्ली में रहते थे, तो मेरा एक्सेंट प्रॉपर पंजाबी एक्सेंट था, जिसको मुझे थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में टाइम लगा क्योंकि स्कूल में मुझे बुली किया जाता था कि ये पंजाबन आई है जी। तो उसकी वजह से हम लोगों ने, मैंने न्यूट्रलाइज कर लिया था अपना एक्सेंट। एंड एज अ सिंगर आपको आपका एक्सेंट जो है वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, आपको जो गाना दिया जाए आपको वो आना चाहिए लैंग्वेज जी। बिल्कुल। तो मैं भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नागपुरी को ना जानती थी कि ये भाषा है, कैसी है, क्या है, झारखंड में रहकर भी नहीं जानती थी जी। और ना भोजपुरी में मैंने कभी कोई इंटरेस्ट दिखाया, पेरेंट्स बोलते थे गाओ बट मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जी। एक इंसिडेंट है जो आई वुड लाइक टू शेयर कि हम लोग यूथ फेस्टिवल में गए थे आसाम में, तो ईस्ट जोन आता है तो वहाँ पे आसामी और मणिपुरी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और वहाँ से सिर्फ दो स्टेट होते हैं हमारे, बिहार और झारखंड जी। तो वहाँ पे सब अपनी भाषा में डांस करते थे, अपना फोक डांस, अपना गाना गाते थे। तो वहाँ पे कल्पना पटवारी जी आई हुई थी, और वो जो है वो असमीज हैं और वो भोजपुरी की बहुत बहुत पहुंची हुई सिंगर है, हम सब जानते हैं उनको जी। तो उन्होंने जब वहाँ पे हमारा नीमिया के डरी मैया गाया था, और आई हैड गूज बम्स, मुझे बहुत घर जैसा फील हुआ। उस दिन जब वापस आए हम आसाम से रांची, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे अच्छे अच्छे भोजपुरी गीत दीजिए, मैं भोजपुरी गाना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप बाहर निकलिएगा ना, तो आपकी भाषा ही आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। तो वहां से मेरे अंदर थोड़ा सा सोच आई, उसके पहले अगर मुझे पूछते तो शायद मैं मना कर देती नागपुरी सॉन्ग के लिए। फिर पुरुषोत्तम भैया ने और एक दो लोगों ने पूछा कि ये मूवी हमारी बन रही है तो तुम गाना चाहोगे, बस यस, देखा जाएगा, मुश्किल है, आसान है, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, करना है मुझे, अपनी भाषा अपनी कर्म भूमि है रांची एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस लैंग्वेज। तो फिर ऑडिशन हुआ एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि पुरुषोत्तम भैया और सुकंठ भैया थे, सब भैया है यहाँ पे, सो आपने अभी तक किसी को नहीं सुना होगा कि सर या मैम बोल रहे हो, तो सब भैया है, इट्स अ फैमिली। तो ये लोग मुझे गाना समझा रहे थे, मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे बैकग्राउंड, और नागपुरी में गा के बताए थे कि कैसा प्रोनंसिएशन होता है जी। एंड मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे। इन लोगों का पैशन, मतलब फीस की बात तो आप छोड़ी दो, इन लोगों का जब पैशन देखा ना, जिस जुनून से ये मुझे गाने के बारे में बता रहे थे, सुखंड भैया गा कर हर चीज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मुझे गूज़बम्स आते इनकी बातें सुनकर जी। उस दिन था कि जितना हो सके आई विल कॉन्ट्रीब्यूट टू नागपुरी एंड भोजपुरी, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई वेंट फॉर इट। एंड अगर 2% 1% भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस मूवी को आगे लाने में या पॉपुलर करने में, तो आई एम मोर देन थैंकफुल एंड मोर देन हैप्पी। और जैसा कि आपने कहा, अपनी लैंग्वेज से प्यार करना, अपनी लैंग्वेज को जानना, उसे बोलना, इस पे गर्व होना चाहिए क्योंकि वही हमारी पहचान है रियल मायने में। तो खुशी में पहले आपसे ये गाना सुनना चाहूंगी, आप गाकर सुनाओ, हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। तो ये गाना है अभियुना तोए मौके। अब यूं न तो ये मौके छोड़ के जाबे, अब यूं न तो ये मोर से
खूबसूरत लिरिक्स है, उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज है। और आपकी आवाज में गाना सुनने के बाद मैं पूरा गाना कैसे ना सुनूं, तो मैं लौटती हूँ। लिसनर्स, बहुत सारी बातें अभी करने को है और टाइम भी हो चला है, लेकिन इस गाने के बाद। अब यू ना तुए मुके छोड़ के जावे, अब यू ना तुए मोर से रूठ के जावे, अब यू ना तुए मुके छोड़ के जावे, अब यू ना तुए मोर से रूठ के जावे। मैं आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ चमकते सितारे, और मेरे साथ बने हुए हैं टीम दहलीज के सारे मेंबर्स, जिसमें मेरे राइट हैंड साइड पे जैसा मैंने बताया था एनपी के सर बैठे हुए जो कि डायरेक्टर हैं। और अब मैं इनसे जानूंगी कि मूवी के टेक्निकल इश्यूज के बारे में बताइए, क्योंकि हमने जैसा जाना है झारखंड में बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं एक शूटिंग के लिए, और आपकी फिल्म जैसे हाई लेवल पे बनी हुई है किसी भी बड़ी बजट वाली फिल्मों को टक्कर देने के लिए, एक लेवल तक
कर दे सकती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आए टेक्निकल इश्यूज के बारे में बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो चीज थी, क्योंकि फिल्म कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, जो टेक्निकल जो टर्म्स आते हैं जी, जी। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एक पावर होता है ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़े चैलेंजेस यही था कि हमारे लोग बिल्कुल नहीं थे। मैं भी, मेरी पहली फीचर फिल्म थी, लेकिन इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म बना चुका था और फिर मैं वर्ल्ड सिनेमा बहुत सारे फिल्मों को मैंने देखा है, तो मुझे एक चीज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ आई विल डू इट, ओके आई विल लीड इट, ओके ये चीज मेरे अंदर था। तो सबसे पहले टीम बनाने में सबसे बड़ी दिक्कतें आई। उसके बाद हमारी टीम लगातार डिस्कशन कर रही थी कि हम किस कैमरे से शूट करें, क्योंकि हमारे अंदर एक था कि हम लगातार अपने प्रोडक्ट को हम बेहतरीन रूप से हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे। तो फिर हमने रेड ड्रैगन मंगाया मुंबई से, क्योंकि रांची में एक या तो फिर आमने सामने कहीं रेड ड्रैगन नहीं था। रेड ड्रैगन के साथ हमने बेहतरीन क्वालिटी के, जिस कैमरे से बॉलीवुड की फिल्में शूट होती हैं, हॉलीवुड की बड़ी अच्छी फिल्में शूट होती है, उन्हीं कैमरा को हमने यूटिलाइज किया, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह फिर निकले। और इसी वे में हमने चाहा कि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन रूप से हम लोग उसको रिकॉर्ड करके हम प्रस्तुत करें। वहीं से एक जर्नी शुरू हुई और फिर हर एक चीज में, चाहे वो साउंड डिजाइनिंग की बात हो, हमने अपने फिल्म का 5.1 साउंड कराया है, हमने स्टूडियो IT फाइल भी हमने मंगाया हुआ है ताकि हम दूसरी लैंग्वेजेस में इसको डब कर सके, दे सके। हमने पूरी तरह से इस फिल्म को जो एक टेक्निकल टर्म्स जो उसको कह सकते हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड जो फॉलो करते हैं एक बाय एक स्टेप, हमने उन सारी स्टेप को फॉलो किया, उन सारी चीजों को लेकर के गया ताकि हम अपनी फिल्मों को बाहर की फिल्मों से बराबर हम दर्शा सके जी। तो ये जो चीजें थी टेक्निकली रूप से कि जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था कि हम फिल्म को अपग्रेड करने के लिए जी, वो सब सारी सारी बातों को रखे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो है कि हमारा टीम का जो है नया विजन होना जी। उसी ने सबसे ज्यादा टेक्निकल चीजों को उसने पीछे छोड़ दिया जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि हमारे पास इस तरीके से जिमी जीप क्रेन वगैरह बड़े बड़े हमारे पास सेटअप नहीं थे, बहुत बड़े बड़े सेटअप नहीं थे, लेकिन तब भी हमारे पास, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब आपके पास सारी सुविधाएं हो जाती है तो आपका क्रिएटिविटी खत्म होने लगता है, फिर आपको लगेगा अरे ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए, आप अगर टाइप करना है, अगर फोन से टाइप करना है कुछ भी, तो आपको लिखने का कला आपका खत्म होते जा रहा है। अब भले ही वो टाइप कर ले रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हाथ से लिखने में कहीं ज्यादा आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि सेम चीज जब आप फोन पे पढ़ते हैं तो सिर्फ आपका सिर्फ आंखें पढ़ रही हैं और सिर्फ माइंड, लेकिन जब बुक से पढ़ते हैं तो आपको पांचों इंद्रियां चलने लगती है। इसी कारण है कि आज भी लोग बोलते हैं कि बुक से कोई चीज पढ़ो, बुक को पढ़ने से पहली बात है कि टचिंग है, लिपिंग है, फिर आपका वो जो टच होता है वो सारी सेंसेस को वो क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेशन थी, बट हमने कभी हार नहीं मानी और फिर उसी का परिणाम है आज दहलीज ने लोगों के सामने में एक नया सिनेमा का एक नया लेवल सेटअप कर दिया जी। और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो अंदर से जो हमारी क्रिएटिविटी है वो बाहर कैसे आएगा। और रही थोड़ी बहुत मुश्किलों की, थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की, तो जुगाड़ू होते हैं हम भारतीय, तो इतना तो चलता है। अब वैसे तो बहुत सारी बातें अभी भी हैं, लेकिन अब आखिरी सवाल आना होगा क्योंकि वक्त हो चला है अब हमारे जाने का। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक मैसेज क्या आप छोड़ना चाहेंगे, या आपका झारखंड से क्या डिमांड रहेगा, क्या आप कहना चाहेंगे, ये आप बताइए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी चीज का, या कोई भी चीज का, अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर बनती है तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है दर्शक जी, या तो फिर कस्टमर जिसको कहते हैं जी। अभी हमारी फिल्मों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दर्शक जी। तो जो भी इस चैनल में अभी मुझे जो भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री तब तक नहीं बन सकती है जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। एज अ दर्शक आपको हमारी चीजों को प्यार देना पड़ेगा, एज अ दर्शक हमारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे चीजें जैसे भी है। आपको बुरी लग रही है तो आप उसके बारे में क्रिटिसाइज कीजिए, हमें कहिए कि ये चीज अच्छी नहीं है भाई, इसको और चेंज करो, ये चीज अच्छी है प्रमोट करो, लेकिन जब तक आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी तब तक हम अपनी चीजों को बता नहीं सकते, फीडबैक। तो अभी झारखंड इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो है कि यहाँ पे लगातार फिल्मों का बनते रहना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लगातार फिल्में बनती रहे, चाहे वो मैं बनाऊ डायरेक्ट करूँ, चाहे कोई और भी डायरेक्ट करे, लेकिन यहाँ के रीजनल सिनेमा, विशेष रूप से मैं कहूंगा रीजनल, अगर हिंदी ही बनती तब भी ठीक है, लेकिन वो झारखंड के लोग बनाए, झारखंड की स्मिता रहे, झारखंड की माटी की खुशबू रहे उसमें। बेसिकली अभी जो भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी फिल्मों को, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब में कब आएगा ये फिल्म दहलीज, क्यों आप देखना चाहते हैं यूट्यूब में, क्या आपने KGF और RRR जैसे बड़ी फिल्मों को देखना पसंद किया, बोलते नहीं, तो मतलब क्यों, यही से आपका एक प्यार जगता है। आपको अपनी सिनेमा, अपने लोगों के प्रति ट्रस्ट देना ही पड़ेगा, उनको प्यार दीजिएगा तभी जाकर के और ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म बना पाएंगे जी।
दूसरी बात है जो कि मैं यहाँ पे हर किसी मेकर्स के रूप में मैं कहना चाहूंगा, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जितने भी राइटर डायरेक्टर्स हैं, जितने भी एल्बम वाले हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ झारखंड में तो हमारे यहाँ पे एल्बम इंडस्ट्री है, तो मैं उनको बोलूंगा कि एल्बम इज गुड, अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और आज हमारी नागपुरी जहाँ ही पहुंची है वहाँ इन एल्बम वालों की ही देन है कि उन्होंने व्यापक रूप से हमारी इंडस्ट्री को पहुंचाया जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम एल्बम से हम अपनी दुनिया को समेट के रख दिए हैं, हमें ग्लोबली होना है जी। और ये ग्लोबली ऐसा नहीं है कि हम एक गाने से हम बना करके हम हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक गाना दूसरे गाना को ओवरलैप करने के लिए आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन एक फिल्म का आना अपने आप में एक इतिहास रचना होता है, एक शॉर्ट फिल्म का आना अपने आप में एक हिस्ट्री होता है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का बनना अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो भी मेकर्स हैं, जो भी एल्बम्स वगैरह में अपना योगदान दे रहे हैं, एल्बम भी कीजिए लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप स्टोरी टेलिंग में आइए। अन्यथा अगर आप स्टोरी टेलिंग में नहीं आएंगे तो फिर एक वक्त आएगा जब आप सिर्फ एल्बम में ही अटक के रह जाएंगे और आपको ओवरलैप करने वाला कोई ना कोई आ जाएंगे। लेकिन जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्में अपने आप में एक यूनिक चीज होती है। मेरी कहानी दहलीज से अगर कोई दूसरा डायरेक्टर भी अगर दहलीज बनाएगा तो उसकी दहलीज अलग होगी। तो वही चीज है कि मुझे लगता है कि दर्शकों को लगातार प्यार देते रहिए हमारी इंडस्ट्री को। इस दहलीज फिल्म को हम बहुत ही जल्द हम गांव-गांव तक लेकर के जाने वाले हैं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके गांव तक हम लेकर के जाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की फिल्में जो एक्सपेंड करें, हम उसको समेट के रखना नहीं चाहते हैं। हम उनको चाहते हैं कि हम सिनेमाघरों में आपको अधिकार का साथ दिखाएं। अब सिनेमाघर आप तक आएगा, ठीक है, तो तब आता है, तब भी हमें इस फिल्म को प्रमोट कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट किसी भी की फिल्म हो, चाहे कोई भी फिल्म हो यहाँ की, उसको बनाए रखिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट लेवल बाय लेवल ऊपर जाते रहे और हमारी यहाँ की कहानियाँ देश विदेश में और बाकी दुनिया में भी हमारी कहानियाँ चलती रहनी चाहिए जी। और अगर आप अपने लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड में लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं या अपनी स्टोरीज को पहुँचाना चाहते हैं, अपने झारखंड की खुशबू को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके प्रति आप अपना प्यार, अपना जो एक इंटरेस्ट है उसको दिखाइए, तभी जाकर जो यहाँ के प्रतिभावान युवा है वो बाहर नहीं जाएंगे, यही रहकर काम करेंगे, यहाँ के इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना प्यार इस दहलीज फिल्म को और आने वाली जितने भी शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं, उनको दीजिए, यहाँ के गानों को दीजिए, यहाँ के लैंग्वेज को दीजिए, तभी जाकर हमारा जो झारखंड है वो वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम जो है वो स्थापित कर पाएगा। और इसी के साथ मूड तो नहीं है बट हाँ, मेरे जाने का वक्त हो चला है, तो मैं पूरी टीम दहलीज को पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी यहाँ आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। लिसनर्स, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, आपको एक सुनाऊंगी दहलीज फिल्म का एक आखिरी गाना, ये आपके लिए और मुझे यानी आरजे वैभवी को दीजिए इजाजत। लेकिन इससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 9472786904। साथ ही आप हमें इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं, radiokhanchi.in के माध्यम से लाइव सुन भी सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। सूरज अब तो है होने बेगाना, रुठ के ना जा भी मोर से कई के खोनो बहाना। तो अभी आप सुन रहे थे चमकते सितारे, मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए सितारे के साथ शुक्रवार रात 8 बजे ओनली ऑन रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो।